लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र अभियान की शुरुआत की और वो शुरुआत पूरे भारत में की, जिसके अंतर्गत सभी को मोदी मित्र अभियान का सदस्य बनाया जा रहा है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत वारसी नगर में रहने वाले भाजपा नेता दानिश खान को देहात विधानसभा क्षेत्र से मोदी मित्र समिति का सह संयोजक बनाया गया। इसके बाद अब अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लालबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष फुरकान हुसैन के कैंप कार्यालय पर स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दानिश खान का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान फुरकान हुसैन का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक द्वारा पूरे देश में मोदी मित्र अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत दानिश खान को देहात विधानसभा क्षेत्र से मोदी मित्र अभियान का सह संयोजक बनाया गया है। मुस्लिम समाज को ज्यादा से ज्यादा मोदी मित्र बनाने के लिए काम के निर्देश दिए गए हैं। फुरकान भाई, ये क्या मामला है, पूरा बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जवाहर सद्दीकी जी के आह्वान पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जावेद मलिक जी ने आज वारसी नगर जामा मस्जिद निवासी दानिश खान को विधानसभा 27 देहात का मोदी मित्र का सह प्रभारी नियुक्त किया है। और आज सभी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दानिश खान का फूल माला पहनाकर उनका धूमधाम से स्वागत किया है। और जो मोदी मित्र का अभियान पूरे देश में एक मुखर समाज में चलाया गया है, यह अभियान हम सभी देश में अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को मोदी मित्र बनाएंगे और मोदी मित्र के माध्यम से जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो सभी धर्मों को सरकार द्वारा दी जा रही है, जो मुस्लिम समाज में ज्यादा ज्यादा जिसका फायदा पहुंच रहा है, हम उस मोदी मित्र के माध्यम से सभी मुस्लिम क्षेत्र में ये अभियान मोदी मित्र का चलाकर उन लोगों को जागरूक करेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से हमने ये अनाज का वितरण किया जाता है राशन द्वारा, और अब ये आयुष्मान कार्ड जो सभी ज्यादातर लोग बनाए जा रहे हैं, इसमें ज्यादातर मुसलमानों का आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उन सबको हम मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि ये केंद्र सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है और हम जो भी योजना सरकार द्वारा निकाली जा रही है उसके सभी धर्मों के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो उसी मोदी मित्र के माध्यम से हम अपनी विधानसभा 27 में दानिश खान अपने सभी क्षेत्र के लोगों को यह अवगत कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को जोड़ के मोदी मित्र बनाएंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या मुसलमानों के लिए योजनाएं सरकार द्वारा हमारी चलाई जा रही है। और ये जो दूसरे विपक्ष के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का डर बिठाकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं, ये उनके बीच जाकर उनको समझाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित की बात करती है और सभी धर्मों को साधने के साथ चलती है। वो उन लोगों के डकाय में ना आए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस तरह मुसलमानों को भड़काते हैं। इसीलिए इस सिलसिले में हम इस मोदी मित्र के माध्यम से सभी मुस्लिम समाज के अंदर ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है और योजनाओं का ज्यादा ज्यादा लाभ हम मुस्लिम समाज को इस पार्टी के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद मोहसिन हाजी, यूसुफ अंसारी, मोहम्मद फारूक राजा, साथ ही साजिद अब्बासी, शहबाद अली, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद वसीम खान के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। दानिश खान को सह संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी में खुशी की लहर है। दानिश खान का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी मित्र बनाने के लिए काम तेजी से किया जाएगा और मुस्लिम समाज को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ने के लिए काम होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान। दानिश साहब, आप भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं? मुझे भाजपा से जुड़े हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, अब आपको कौन सी जिम्मेदारी मिली है? मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया है मोदी मित्र का। मोदी मित्र में मुझे 27 विधानसभा का सह प्रभारी बनाया गया है।
अब आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश रहेगी जो हमें आदेश ऊपर से मिले हैं, हमारे जावेद मलिक साहब जो हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के, उन्होंने आदेश दिए हैं कि तुम मतलब के घर घर जाकर मोदी मित्र बनाओगे। जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं आज तक, जिनको सिर्फ यूज कराया है और पार्टियों ने, उनको आने वाली जो हमारी योजनाएं मोदी जी की, योगी जी की जो योजनाएं, उसके बारे में बताना है उन्हें, वो योजनाएं दिलवानी है। और 2024 में हमें अपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आप संग अब भाजपा से जोड़ने के लिए अब अभियान की शुरुआत करने वाले हैं जी, मोदी मित्र की, तो क्या अपील करेंगे अपने साथी सहयोगियों? हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे कि आने वाला 2024 का चुनाव है, भाजपा हम लोगों की, मुसलमानों की बहुत हमदर्द है। हर योजनाओं में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा जो लेते हैं मुसलमान लेते हैं, सारी योजनाएं सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रही हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जैसे और पार्टियों ने इस्तेमाल करा तुम्हें, तुम्हारे वोट बैंक को इस्तेमाल करा है, हम यही चाहेंगे आज से आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दो, नरेंद्र मोदी को वोट दो,